इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? एशिया टेलीकॉम। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया है, जो बहुत दिनों से आप लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर का बुक कहाँ है, सॉफ्टवेयर का बुक कहाँ है। तो यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है, आओ भाई सामने बताओ। सर मैं बुक लॉन्च किया करो, इसका परचेज जो है वैसा सामने दिखाओ, हमें दिखाओ। इसका परचेज जो है 10 दिन के बाद होगा। ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये सीधे करके दिखाओ। सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मेरे साथ में है एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट, ये है मेरा टूर बैच 28 टूर बैच, और ये है दोस्तों मेरे 3 दिन का आउटपुट जिसमें हमने सिर्फ कॉम्पोनेंट पढ़े हैं, और अगर चलिए लेते 4 दिन का आउटपुट जहां पे हम एक बीबैक सेक्शन भी लेंगे, और इन सारे स्टूडेंट से पूछेंगे कि इतने 3 दिन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, और इनका आउटपुट देखेंगे कि इनके अंदर कि इन्होंने 3 दिन के अंदर कितना सीखा हुआ है, कॉम्पोनेंट इनको कितना पता है, सारी चीजें। अगर दोस्तों ये आप जैसे हर वीडियो आप मेरे यूट्यूब में देखते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, जिनको अभी भी कॉम्पोनेंट का नॉलेज नहीं है, या उन बच्चों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं और उनको लगता है कि उनको अभी आधे महीने में एक महीने में कुछ कॉम्पोनेंट बताए गए हैं, तो हो सकता है कि वो इन सवालों से कुछ समझ में आए उनको कि यार ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं जो शायद हमें पढ़ाई नहीं गई है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टूडेंट का अभी आपसे मिलवाऊंगा, उससे पहले पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे चालू करना चाहूंगा। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट है। अच्छा आपसे मैं सब लोग एक साथ बोलेगा, आपसे बताओ कि आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट जो SMD होते हैं नॉर्मल है सब चेक करना आते हैं? आते हैं सारे चेक करना, या चेक करना आते हैं? अच्छा आपको बता, आपको ट्रेसिंग आती है? ट्रेसिंग की आपको जो बहुत अच्छी टेक्निक बताई है वो आती है? यस आती है। आपको कनेक्शन पता है सीरीज जो पहले कैसे चेक करते हैं? अगर एक रिंगर या एक स्पीकर आपका ओपन या शॉर्ट हो जाएगा तो उसको बना सकते हैं बिना किसी सर्किट डायग्राम के? चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने एक स्टूडेंट लेंगे, आओ वही का करे। अब बताओ आपका नाम क्या है? साहिल गोस्वामी फ्रॉम बिहार। तो साहिल आप मुझे बताइए रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर कितने कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए। रजिस्टर 6 प्रकार के होते हैं बताइए। नॉर्मल रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, कोड रजिस्टर, VDR, बिल्कुल। अगर मुझे बताइए कि अगर मैं एक ड्यूअल रजिस्टर या एक पैकेज रजिस्टर की बात करूं, क्या वो अभी के मोबाइल फोन में देखने को मिलते हैं? अभी के फोन नहीं मिलते। अगर नोकिया के में रजिस्टर क्या काम करता है बताइए? रजिस्टर सीरीज में लगे रहता है। क्या काम करता है वो? वोल्टेज को अवरोधक है, वोल्टेज को जब ज्यादा वोल्टेज आते हैं उसको कम करके आगे भेजता है आगे। एक रजिस्टर का अगर मैं बताऊं 0 ओम्स का एक रजिस्टर लगा है तो वो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, सिर्फ इतना बताइए। नहीं वो सीरीज में पैरेलल में वो कंटिन्यूटी देता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि रजिस्टर में चेक करने पर बीप आती है, और बीप आती है तो उनको लगता है रजिस्टर शॉर्ट है, तो क्या वो रजिस्टर शॉर्ट माने जाएंगे? वो 100 ओम की कम है इसलिए बीप माने जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए अगर रजिस्टर कोई पैरेलल में लगा हुआ है तो वो कितने ओम का होना चाहिए? हाँ तो कितने? 100 से कम होना ही चाहिए। चलिए उसका रीजन आपको पता है? ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए एक कोड रजिस्टर में हम जंपर मार सकते हैं क्या? कोड रजिस्टर में क्या जंपर मार सकते हैं क्या? कोड रजिस्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? चार्जिंग के इनपुट में कि आउटपुट में? आउटपुट में देखने को मिलता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि फ्यूज रजिस्टर होता है, फ्यूज रजिस्टर में क्या लिखा होता है उसके ऊपर? वो 0 होता है। अच्छा बताइए कि फ्यूज रजिस्टर में हम जंपर मार सकते हैं क्या? मार सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए फ्यूज रजिस्टर किस सेक्शन में देखने को मिल जाता है? वो स्पीकर सेक्शन में। ये आपने प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पर, किया हुआ है आपने? ठीक है। थ्योरी थ्योरी तो नहीं है ना यहाँ पर? सही है। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए रजिस्टर में कि अगर मैं रजिस्टर को चेक करूं तो मुझे कौन से मोड पे रखना चाहिए मल्टीमीटर को? किस मोड पे रख सकता है रजिस्टर को चेक करने के लिए? ओम मोड पे रख के मैं चेक कर सकता हूँ। अगर ये ओपन आएगा तो ओपन आने पर रजिस्टर क्या दिखाई देगा? ए दिखाएगा। तो ऐसे टर्म्स में अच्छा मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कोई भी रजिस्टर है, मुझे नहीं पता वो कौन सा रजिस्टर है, नॉर्मल भी हो सकता है, थर्मिस्टर भी हो सकता है, VDR भी हो सकता है, वो कोड रजिस्टर को छोड़ के सारे रजिस्टर की अगर बात करें, ड्यूअल पैकेज सारे रजिस्टर, तो अगर कोई रजिस्टर मुझे ओपन दिखाई देता है और मुझे मैंने हटाया तो मैं किन रजिस्टर को जंपर मार सकता हूँ, किन रजिस्टर को जंपर नहीं मार सकता? जो सीरीज में लगे हुए हैं उसको हम जंपर मार सकते हैं, पर जो पहले में लगे उसको जंपर नहीं। तो सीरीज और पहले कैसे चेक करते हैं ये पता है आपको? सारे कॉम्पोनेंट। ठीक है। चलिए आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा।
कैसा, मतलब 3 दिन में आपने इतना सीखा, क्या आपको डर आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, 3 दिन के में ही ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ पूरे कंप्यूटर की जानकारी हो गई है यहाँ पर। तो मतलब इतने 3 दिन में थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो कि नहीं हो? बहुत ही ज्यादा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठिए, इनके ताली बजा दीजिए। चलिए तो दूसरा अब हम पूछेंगे कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स में आ जाइए, आप बताइए आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, पावन यूपी से। जितेंद्र आप बताइए कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर सर दो प्रकार के। कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैंने पोलर कैपेसिटर को उल्टा लगा दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि पोलर कैपेसिटर पोलर कैपेसिटर सर माइनस और प्लस होते हैं सर, उसको उल्टा नहीं लगा सकते। उल्टा नहीं लगा सकते हैं, तो हम उल्टा लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगा और इवन हो सकता है कि जल के खराब हो जाए। अच्छा मुझे बताइए कि नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक कैसे करेंगे एक मल्टीमीटर से? सर मल्टीमीटर के पोल टेस्टिंग में मतलब दोनों प्रोब पे रखेंगे, डीप नहीं जाना। अच्छा मुझे बताइए कि किस सेक्शन में, क्योंकि कैपेसिटर हर सेक्शन में लगे मिलते हैं क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज होता है, मुझे बताइए किस सेक्शन में कैपेसिटर को हम निकालना नहीं चाहिए, वहाँ पे वापस लगा देना चाहिए? पावर सेक्शन और लाइट सेक्शन। पावर सेक्शन, लाइट सेक्शन और एक और सेक्शन, ये पूछा है, वेरी गुड। कौन सा सेक्शन? नेटवर्क सेक्शन में नहीं है आपको, इन सब में क्यों नहीं निकालना चाहिए उसका रीजन भी बताइए। पावर सेक्शन सीरीज में लगे होते हैं इसलिए सर नहीं निकाल सकते हैं। तो एक रीजन ये है, दूसरा रीजन बताइए। सर पावर सेक्शन बूस्ट करता है, वेरी गुड, कॉइल को बूस्ट करता है और लाइट सेक्शन में भी बूस्ट कॉइल होता है उसको भी बूस्ट करता है। और दूसरा क्योंकि वो सीरीज में लगे होते हैं, दूसरा क्यों? क्योंकि सीरीज में लगे होते हैं क्योंकि हम किसी भी कैपेसिटर को जो सीरीज में लगे हुए हैं उनको हटाकर हम जंपर नहीं मार सकते हैं, हमें वो कैपेसिटर वापस वहां पर लगाना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइए कि एक कैपेसिटर के लीकेज कैसे पता चलेगा? सर वो 20 के में 1 के 20 के में रीडिंग नहीं आना चाहिए, 20 के पे रीडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है, 1 ओम के ऊपर और 1 ओम के ऊपर होता है बेसिकली, 1 के ओम से, ठीक है, ये हमने जाना। अच्छा हमें बताओ कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर में, अगर मैं और पूछूं आपसे कि कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं, क्या कारण है उनका, क्या काम करते हैं? सर कैपेसिटर मतलब फिल्टर करते हैं। अगर ये बताइए कि कैपेसिटर के अगर दोनों रीडिंग आ रही है चेक करने पर एक विधि के हिसाब से, तो उस पर क्या क्या हो सकता है, वो किस किस कनेक्शन में लगा मिल सकता है? सर एक तो स्पीकर और रिसीवर सेक्शन। तो वो कैसे कनेक्शन में लगा मिल सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ? दो लाइनों पैरेलल में और वो सीरीज में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों रीडिंग आने का मतलब वो सीरीज कनेक्शन माना जाता है, पर वो कैपेसिटर कैसा लगा होता है? पैरेलल भी लगा होता है, ठीक है। और ये जनरली कौन से सेक्शन में मिल सकता है? स्पीकर सेक्शन में, और कौन से सेक्शन में? ईयरपीस सेक्शन में, इवन माइक में भी मिल सकता है। किसमें मिल सकता है? अगर मान लीजिए मैंने बोला कि वो स्पीकर सेक्शन का ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो क्या काम होगा? निकाल देंगे, तो उसमें लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा दोनों टिप्स पे, तो हमें पता चल जाएगा कि वही कैपेसिटर मेरा क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, वेरी गुड। आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पे वो चीज सीख गए जो दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं सीख पाए, अब हमको ऐसा लग रहा है कि हम जाकर उन सर को सिखा सकते हैं जो हमें सिखा नहीं पाए। चलिए वेरी गुड, तो आइए अब हम यहाँ पर, ये हमारे साथ स्टूडेंट आए हैं, आओ बताइए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश है, मैं एमपी से हूँ, सिवनी जिले से, यही पड़ोसी जिला है। वेरी गुड, तो जगदीश आपसे हम पूछेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर हो गया, आपसे हम डायोड पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए डायोड क्या काम करता है? सर एसी को डीसी में बदलता है। वेरी गुड, अच्छा ये बताइए कि डायोड को अगर हमने एसी में डीसी बदलवाना है तो हमें उसको कैसे लगाना पड़ेगा? उसको सीरीज में लगाना, ये भी सही है। अगर मुझे बताइए कि डायोड अगर एक पैरेलल लगा है तो पैरेलल में डायोड कैसा लगा होगा? सर वो पैरेलल में कैसा लगा होगा? उल्टा लगा होगा, ठीक है। डायोड में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ये तो पता है, डायोड की चेकिंग भी आपको पता है, ठीक है। अगर डायोड लीकेज होगा तो क्या होगा? सर उसमें ज्यादा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आएगा या तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस आएगा, और वो दोनों वैल्यू रेजिस्टेंस आपको पता है, ठीक है। अच्छा बताइए डायोड अगर पैरेलल लगे हैं तो किन किन सेक्शन में लगे मिल सकते हैं? डायोड सर पैरेलल लगे हैं तो जैसे स्पीकर हो गया, सभी सेक्शन में लगे हो सकते हैं। और इसका कारण क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हर सेक्शन में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अच्छा आप बताइए कि अगर डायोड सीरीज में लगे हैं तो किस किस सेक्शन में लगे हैं? सर सीरीज में लगे तो चार्जिंग सेक्शन में हो सकता है, बिल्कुल, चार्जिंग सेक्शन में हो सकता है और लाइट सेक्शन में हो सकता है। अगर सीरीज में डायोड को हटाकर जंपर लगा सकते हैं क्या? नहीं, डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट है कि पासिव कंपोनेंट है? एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि वो एसी को किसे बदलता है, और अगर हम जंपर मार देंगे तो हमारा तो भाई सीधे सीधे करंट पास हो जाएगा, डीसी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, वेरी गुड है। अच्छा बताइए कि अगर मेरा डायोड पहले में लगा है तो उसको निकाल के क्या करना चाहिए?
सर उसको निकाल के अगर पैनल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, हम वहां पर हमें जंपर मारना है ही नहीं, नहीं है जंपर नहीं मारना है। अगर दूसरा डायोड लगाएंगे तो डायोड का प्लस क्या दर लगाएंगे ये बताइए। हमको उल्टा लगाना होगा, यानी कि जो ग्राउंड होगा उसमें हमको माइनस रखना है, प्लस रखना है, उल्टा लगाना है, उल्टा क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डायोड के बारे में बताया, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा सर, मैंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा यहाँ पर मैंने तीन ही दिन में काफी सीख लिया है और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी दिन में ऐसा ही मैं सीख के जाऊंगा यही सोच के। और आपको दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनके अभी आने वाले समय में इन्होंने मेरे से बात कही थी कि सर मैं आगे जाके चालू करूंगा, तो मैं इनके लिए बस अभी नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े साहब है, क्योंकि अभी बाद में इनके लिए जरूर करूंगा कि जो भी ये सोच के आया है वो इनको पूरा मिले। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच इनके। चलिए आप कॉल तो आप बताओ यहाँ पर, दोस्तों मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखिए अब वही एक काम करते ऐसे पूछने के बाद हम सब जोर जवाब देंगे एक साथ। तो अगर हम बात करते हैं कॉल, कॉल आपको कितने प्रकार की मिल जाएगी, कौन कौन सी बताइए? वेरी गुड, किन कॉल इनमें से चारों में से किस कॉल को हम जंपर मार सकते हैं, किस कॉल को जंपर नहीं मार सकते? वेरी गुड, बूस्ट कॉल को जंपर भी नहीं लगा सकते करंट को बूस्ट करता है इसलिए। अच्छा ये बताइए कि कॉइल को चेक करने की कौन सी दो विधि है, कॉइल को चेक करने की दो विधि बताइए। वेरी गुड, और ओम्स में 200 ओम्स में कितना आना चाहिए, कितना है कितना 0.5 से, कितना 0.5 से 2.5 ओम्स, ये चेक किया था। ठीक है, बनता है चेक करना। अब बताओ बूस्ट कॉइल कहाँ कहाँ लगा मिल सकता है, और कौन से लाइट सेक्शन में और कौन से सेक्शन में? पावर सेक्शन में। अच्छा ये बताओ बूस्ट कॉइल कब एक्टिव नहीं होगा, कब काम नहीं करेगा? जब उसको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। और जब एक और चीज है, एक और चीज बताइए बताइए, उसके साथ लगा हुआ कैपेसिटर अगर खराब हो गया होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो प्योर डीसी नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ये कौन से दो सेक्शन में, पावर सेक्शन में और तो ये बड़े सेक्शन है, अगर पावर सेक्शन से हट गया तो फोन क्या हो सकता है, लाइट हो सकती, क्योंकि बहुत कम टेक्नीशियन ये बात जानते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अगर बताइए कि डिस्प्ले सेक्शन में जो कॉइल लगती है वो कौन सी कॉइल होती है, बूस्ट कॉइल, डिस्प्ले लाइट हो गई, डिस्प्ले सेक्शन में बताओ, कपलर और डुअल कॉइल। अच्छा ये बताइए डिस्प्ले सेक्शन में जो कॉइल लगती है वो कौन सी कॉइल होती है, कपलर और डुअल कॉल, और इन कपलर और डुअल कॉल को हम हटा के क्या मार सकते हैं, जंपर मार सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, और यहाँ पर जो आप सीख के आए थे यहाँ पर सीखने मिला है, आप नाम बताइए कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आलोक गुप्ता है, फ्रॉम यूपी। यूपी, चलो ठीक है, आलोक के लिए ताली बजा दो, क्योंकि बोलना कैमरे के सामने और जो सीखा हुआ है, और देखिए हमने इतना अच्छा सीखा है कि हमें घट गया है, और ये बात हम मुंह पे बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्नीशियन लोग क्या होते हैं कि मैं बताऊं, बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं बच्चे, जो मैं तो बहुत बच्चे पढ़ा चुका हूं, कि वो बच्चे उनको आता है पर वो बोल नहीं पाते हैं, मुंह पे रहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ सर याद आ रहा है, सर याद आ रहा है, गायब हो जाता है, क्योंकि हाँ चेक करना आता है सर पर ये नहीं पता क्या नाम है। और अगर हम उसी चीज को ऐसे तरीके से पढ़े कि दिमाग में बैठ जाए, तो सोचो हमारे दिमाग में क्या, हम किसी और को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सर में आया, ठीक है, तो यही है तीन दिन का आउटपुट। अब आते हैं हम, डायोड हो गया, कॉइल हो गया, कपलर हो गया, एटलीस्ट सारे ही हो गए यहाँ पर कॉम्प्लीट। अब बीबेट से सेक्शन में आते हैं, एक ट्रेसिंग का सेक्शन है, तो ये मैं स्टूडेंट करा करूंगा, आओ भाई यहाँ पर। चलिए तो वहीं पे आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, उनको बीच में लिया, बीच में लिया, ठीक है। चलिए तो आप बताइए कि अगर मान लो मेरे पास एक सैमसंग का फोन है और बैटरी कनेक्टर है चार पिन का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बीबेट कौन सा है? सर हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले तो, और जो वी वेट होगा उस पर 5.6 रीडिंग आएगी। और अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि बीएसआई है? बीएसआई है सर 500 प्लस, समय 500 मिलने चाहिए। अच्छा बताइए कि आईफोन 6 और 6 के बाद जो सिक्स प्लस है उसमें कितने पिन का कनेक्टर है? तीन पिन का कनेक्टर होता है, और उसमें बीएसआई में सीरीज में क्या लगा मिल सकता है? सीरीज में सर हमें मिल सकती है कॉइल, कॉइल मिल सकती है। तो पहले में हमें क्या मिलता है, कैपेसिटर देखने मिलता है। अच्छा ये बताइए कि अगर बीबैक का बैटरी कनेक्टर का पूरा उखड़ गया, टिप्स भी नहीं है, तो क्या उसको खोज के बनाओगे कि उसकी सप्लाई को समझ के बनाओगे? सप्लाई को समझ के बनाएंगे। तो किसी भी फोन का बिना सर्किट डायग्राम के बैटरी कनेक्टर उखड़ जाने पर उसको बना सकते हैं अपन? बना सकते हैं।
आते हैं। चलिए आप बताइए कि बैटरी कनेक्टर, अच्छा चलिए उसकी सप्लाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमको नॉलेज है। अच्छा बात करेंगे कि बीएसआई में सीरीज में क्या क्या लगा होता है, बी सीरीज में और कॉइल लगा होता है, जो कि पता है सीरीज कनेक्शन पता है क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये पता है क्या होता है, क्या फॉल्ट आने पर सीरीज कनेक्शन चेक करते हैं ये पता है आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो बैटरी एरर आता है वो जनरली वो किसके फॉल्ट की वजह से आ सकता है, बीएसआई की वजह से आता है। और उसमें वो तीन प्रकार के कौन से फॉल्ट हो सकते हैं सर? ये बैटरी एरर आता है, तीन फॉल्ट मतलब तो बैटरी एरर आ रहा है तो बीएसआई में तीन फॉल्ट क्या मिल सकते हैं हमें? सर रजिस्टर ओपन हो सकता है, ओपन हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है, या तो तीसरा क्या हो सकता है, लीकेज, लीकेज हो सकता है। तीन चीज क्या बताई थी आप लोगों को, सब एक साथ बताइए। और अच्छा एक और चीज यहाँ पर, एक और चीज, तीन ट्रेसिंग के एक नियम बताए थे कि तीन चीज दिखाई देती है, और आईसी टिप्स कंपोनेंट और आईसी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हम अभी ट्रेसिंग हमारे लिए आसान है, हमें पता है ट्रेसिंग कैसे करना है, और अच्छा नॉर्मल ट्रेसिंग को बहुत टाइम लगता है तो हम तो आसानी से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आके बताइए सर? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम नवल है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ। पहले सर मेरे को कोई कंपोनेंट की जानकारी नहीं थी, मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट करके दूसरे इंस्टीट्यूट में आ चुका हूँ, मैं यहाँ तीन दिन में आगे वो सब चीज सीख चुका हूँ कि मैं कहीं भी जाके अपना काम कर सकता हूँ। अच्छा थैंक यू। तो ये तो दोस्तों रहा इनका, तो ये हमारा, अच्छा हम तो चाहे तो स्पीकर सेक्शन भी बता सकते हैं, रिंगर सेक्शन बता सकते हैं। अच्छा जैसे तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो, चलो बताइए कि अगर मैं एक रिंगर आईसी को बिना ट्रेस करने दूरू, जिसे बिना ट्रेस किए, बिना मल्टीमीटर के रिंगर आईसी और बहुत सारी आईसी लगी है तो मैं ढूंढ सकता हूँ? क्या अनुभव बताया था, क्या ढूंढना है? चप्पल ढूंढना है, बस वही दो क्वाइल वॉइल हो या कुछ भी हो, चप्पल ढूंढना है, क्या ढूंढना है? चप्पल। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक मेरा स्टूडेंट है, आप करे हो, आपका नाम बताइए, कहाँ से हो? अच्छा आप बताओ, अब आपको कंपोनेंट की सही नॉलेज मिल गई है और आपको अब आपको ट्रेस करना भी आता है ना, और आपका बैटरी कनेक्टर खर्चा तो आपको बन जाएगा बनाते हुए, ठीक है, वेरी गुड है। चलिए ठीक है बैठिए, आप दोस्तों की आए अलग अलग जगह से बच्चे और यही हमारा फुल आउटपुट हो चुका है, यही हमारा फुल आउटपुट है और यही हमारा चार दिन का आउटपुट है। आप समझिए चार दिन में हमने इनको एक घंटा नहीं दिया है, ये चीज कराने के लिए हमने इसको हमारा पूरा दिन दिया दोस्तों। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे बच्चे बहुत हार्डवर्क हैं, इन्होंने बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पे मेहनत की है और एक दूसरे का सहयोग लेते हुए इन्होंने सारी चीज को समझा हुआ है, तो एक बार इन सबके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा। स्टूडेंट एक आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया है, जो बहुत दिनों से आप लोग मेरे से बोल रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर का बुक कहाँ है, सॉफ्टवेयर का बुक कहाँ है, तो यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है, आओ भाई सामने बताओ। सर बुक लॉन्च की है, इसका परचेज जो है वैसा सामने दिखाओ, हमें दिखाओ, इसका परचेज जो है 10 दिन के बाद होगा, ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये सीधे करके दिखाओ, सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इसमें जो पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है। और जो अच्छा तुमने तो सॉफ्टवेयर का कहीं पे क्लास भी अटेंड किया था ना, तो जो तुमने अटेंड किया था उसमें ये सारी नॉलेज दी हुई है यहाँ पर? जी सर दी है, यहाँ पर दिखाओ, सीधे करके दिखाओ, यस सर पूरी के पूरी दी हुई है। और एक बार बुक को सामने से दिखाओ ऐसा। चलिए दोस्तों इसी तरह मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि लड़कों लोगों ने कुछ सीखा है तो इनके लिए एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ भी हमारे चैनल से सीखने को मिलता है तो बस ऐसे ही चैनल को बनाए रखें और प्यार देते रहे, अपना आप ही लोग हैं जिसके कारण आज हम इतने आगे तक पहुंचे हुए आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़े हैं, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। चलिए आज तो दोस्तों आज मैंने एक ऐप लॉन्च किया है सैमसंग मोबाइल का, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। और आपको करना क्या है, उस एप्स के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सैम मोबाइल,
आपको यहाँ पे लिखना है सैम मोबाइल और आपको इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो आपको उसको खोजने की भी ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और सैम मोबाइल में आपको यहाँ पर देखिए सैम मोबाइल फ्लैशिंग गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको इसको करना है इंस्टॉल, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर चुका है। ये मात्र 1.7 MB का एक ऐप्स है दोस्तों। ये इस मोबाइल में आपको मिलेगा बहुत सारा डाटा। आपको फ्लैशिंग सीखनी है सैमसंग की, या आपको उसके टूल्स चाहिए, या आपने डाउनलोड करना है उसकी स्टॉक रोम्स, या उसके कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना है, या ADB फाइल डाउनलोड करना है, या मल्टी फाइल जो आपको डाउनलोड करना है, तो वो आपको मिल जाएगी इस ऐप्स में। तो जैसे ही ये ऐप्स ओपन होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एंटर टू इंस्टीट्यूट में क्लिक करना है और आप इस ऐप्स में आ जाएंगे दोस्तों। ये आप अपने मोबाइल में चला सकते हैं क्योंकि एक एप्लीकेशन है, एक एंड्रॉयड, ये मोबाइल में ही चलेगी। और जैसे ही आप इस ऐप्स में आप आ जाएंगे तो उसके इंटरफेस में आपको सामने एक मेन्यू का आइकन दिखाई देगा। आपको इस मेन्यू को क्लिक करना है और आप जैसे ही मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फ्लैशिंग सीखना चाहते हैं या फ्लैशिंग देखना चाहते हैं कि कैसे होती है सैमसंग की, तो वो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मल्टी रोम डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ मल्टी रोम को क्लिक किया हुआ दोस्तों, और मल्टी रोम को क्लिक करने के बाद सैमसंग की 4 फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। सिंगल फाइल जो कि 1 क्लिक से आपको मिल जाएगी, सैमसंग की 4 फाइल मिल जाएगी जो कि 1 क्लिक से आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको टूल डाउनलोड करना है, वो क्या होता है मल्टी फाइल, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे J-सीरीज़ की मल्टी फाइल है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ S-सीरीज़ की मल्टी फाइल है, टैप सीरीज़ की है, यहाँ पे X-सीरीज़ की है, तो यहाँ पे सब तरह की आपको मल्टी फाइल मिल जाएगी। और ऑल मोबाइल की मल्टी फाइल, जैसे यहाँ पे देखो ऑल सैमसंग फोन फॉर मल्टी फाइल आपको यहाँ पर सिंगल क्लिक के साथ मिल जाएगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, और जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ उसको, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया और ये सैमसंग मोबाइल की यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर ये 1 क्लिक, यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आज अभी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इंस्टॉल करने के लिए इसको लिंक मैंने दे दिया और आपको बता दिया गूगल में कैसे इंस्टॉल करना है। तो मेन्यू में जाकर अगर आप फ्लैश फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लो आप सिंगल फाइल या स्टॉक रूम जिसकी हम बात करते हैं वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर सैमसंग की आपको सभी तरह की स्टॉक रूम मिल जाती है, जिसको आप कंप्यूटर में या गूगल में ढूंढते रहते हैं और आपको उसमें नहीं मिल पाती है, आपको यहां पर मिल जाएगी। तो बड़ी आसानी से आप यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसके साथ अगर आपको चाहिए ड्राइवर एंड टूल्स, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, सैमसंग के जो USB ड्राइवर होते हैं। और सबसे खास बात, मैंने इसमें ADB ड्राइवर आपको देके रखा हुआ है, जो सैमसंग का ADB ड्राइवर तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है। ये हमें यूज़ होता है जब हम उसको ADB मोड में कनेक्ट करते हैं। सैमसंग का ADB ऑन करने के बाद भी वो ADB मोड में कनेक्ट नहीं होता है जब तक हम उसको ड्राइवर सही तरीके से नहीं दें। तो देखिए यहाँ पर सैमसंग एंड्रॉयड ADB इंटरफेस वर्जन, आप इसको 1 क्लिक से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको ADB FRP फाइल मिल जाएगी, जो भी सैमसंग की जो डायरेक्ट फ्लैशिंग फाइल होती हैं, जो इट्टर फाइल होती हैं जिसको ओडिन से फ्लैश कर सकते हैं, जिससे ADB एनेबल हो जाते हैं, तो ये फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी मॉडल वाइज। तो जिन जिन मॉडल के यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, मैंने यहाँ पे इसको डाला हुआ है, आप इसको यहाँ से कोई भी सिंगल एक मॉडल को क्लिक करके उसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप्स हर हफ्ते अपडेट होंगे, तो इसको आप अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सैमसंग टूल सबसे खास बात इसकी है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सैमसंग के बहुत सारे टूल्स इस ऐप्स में। तो जैसे अगर मैं नीचे करूँ तो यहाँ पे आपको Jack 3S का यहाँ पे क्रैक वर्जन, अगर मैं बात करूँ GSD डेवलपर जिससे हम डायरेक्ट रिकवरी मोड पे जा सकते हैं, ADB एनेबल ऑटोमेटेड टूल, यहाँ पे TAC के जो कंप्यूटर सोल्यूशन जो बहुत अच्छे एक अपने टूल्स बनाते हैं उनके भी मैंने यहाँ पे टूल्स डाले हुए हैं, और Jack 3S वर्जन, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सैमफिक्स टूल आपको मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, FRP हाईजैकर आपको मिल जाएगा, और सैमसंग ओडिन के पूरे ऑल वर्जन मिल जाएंगे, और ओडिन के अपडेटेड वर्जन भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, और साथ में ही उसके कस्टम वर्जन भी मिल जाएंगे। तो इस ऐप्स को अभी डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Rashid Ali Home। मेरा नाम दासिक है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, MPC हूँ। यहाँ पे जिस लोग कहना चाहिए तो दूसरे स्टूडेंट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाते हैं, और कहना चाहिए तो 2-3 महीने वैसे ही नाश कर देते हैं। यदि जिसको कोर्स करना है वो यहाँ आ भी सकता है, और जिसको जिसका पैसे का प्रॉब्लम रहता है बजट का, वो ये बुक ले सकता है। ये बुक सस्ती भी है, उसमें आप बहुत सारा ज्ञान दिया है हार्डवेयर के मामले पे, कहना चाहिए तो 70% ज्ञान है इसमें हार्डवेयर के मामले पे। हार्डवेयर के मामले में 70% ज्ञान है, और यहाँ पे हर चीज़ चित्र के साथ दिए, फोटो के साथ दिए, इसमें
कॉइल रजिस्टर सब दिया इसमें दिया है। तो दोस्तों यदि आपको ये खरीदना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, और जिसको दोस्तों यहाँ आना है वो यहाँ आ सकता है। थैंक यू दोस्तों।